राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर, आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की 5 बेस्ट वैरायटियों के बारे में। परंतु उससे पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी से लाइक कर दें, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं, और इसी वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसान भाइयों, 5वें नंबर पर हमने जो वैरायटी रखी है उसका नाम है श्रीराम 111। यह वैरायटी श्रीराम कंपनी की वैरायटी है। अगर इसकी समय अवधि की बात करें तो 125 से 130 दिन में यह वैरायटी किसान भाइयों पककर तैयार हो जाती है। अगर इसमें सिंचाई की जब हम बात करें तो 4 से 5 सिंचाइयों की किसान भाइयों इसमें आवश्यकता होती है। अगर इसकी बुवाई की जब हम बात करें तो अक्टूबर से नवम्बर तक किसान भाइयों इसकी बुवाई की जा सकती है। इसकी पैदावार की जब हम बात करें तो 22 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने की किसान भाइयों ये क्षमता रखती है। अगर बात की जाए इसमें बीमारियों की तो इसमें येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और पाडू मिल्ड्यू के प्रति यह प्रतिरोधक क्षमता रखती है। अगर इसके दाने की वजन की जब हम बात करें तो 1000 दानों का इसका वजन जो होता है किसान भाइयों वो 52 ग्राम किसान भाइयों होता है। अगर इसकी बुवाई हम हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और गुजरात में इसकी बुवाई कर सकते हैं। अगर हम 4थे नंबर की जब वैरायटी की बात करें तो 4थे नंबर पर हमने जो वैरायटी रखी है उसका नाम है HD3086 इनकी पूसा गौतमी। किसान भाइयों, अगर समय अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर इसके उत्पादन की हम बात करें तो यह वैरायटी लगभग 56 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता रखती है। अगर एकड़ में बात करें तो 22 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता यह वैरायटी रखती है। किसान भाइयों, यह वैरायटी खासकर इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो 12.5% किसान भाइयों होती है, जो कि एक हाई प्रोटीन है। इसलिए इसका प्रयोग किसान भाइयों रोटी और ब्रेड बनाने में किया जाता है। और इस वैरायटी की बुवाई किसान भाइयों पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में इसकी बुवाई की जाती है। अगर इसकी बात करें सिंचाइयों की तो 4 से 5 सिंचाइयों की किसान भाइयों इस वैरायटी के लिए आवश्यकता होती है आराम से। अगर दाने की बात करें तो इसका दाना बोल्ट और एक वजनदार अच्छा दाना होता है। अगर 3रे नंबर की जो हम वैरायटी की बात करें तो 3रे नंबर पर हमने जो वैरायटी रखी है उसका नाम है श्रीराम कंपनी की 303 वैरायटी। यह श्रीराम कंपनी की वैरायटी है और इसकी जो हम समय अवधि की बात करें तो यह 125 से 130 दिन में किसान भाइयों पककर तैयार हो जाती है। खास बात यह है कि यह वैरायटी की हाइट किसान भाइयों कम होती है, इसके कारण यह वैरायटी किसान भाइयों गिरती नहीं है और एक अच्छा उत्पादन देती है। और इसकी पैदावार की जब हम बात करें तो 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये उत्पादन देने की किसान भाइयों क्षमता रखती है। और इसके दाने की जब हम बात करें तो इसका दाना मोटा और चमकदार किसान भाइयों होता है, और इसके दाने का जो वजन होता है वो 1000 दानों का लगभग 48 ग्राम किसान भाइयों वजन होता है। और यह वैरायटी को आप जल्दी तथा लेट दोनों तरीका से बुवाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इस वैरायटी की अगर लेट भी बुवाई करते हैं तो इसके उत्पादन में खास फर्क नहीं आता है। तथा इसकी बीमारियों की हम बात करें तो इसमें येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और पाडू मिल्ड्यू के प्रति यह वैरायटी प्रतिरोधक क्षमता रखती है। अगर किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं 2रे नंबर की वैरायटी के बारे में तो उसका नाम है HI8759 पूसा तेजस। यह वैरायटी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है किसान भाइयों। इसकी समय अवधि की जब हम बात करें तो 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर इसके उत्पादन की जब बात करें तो यह वैरायटी 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है। और यह वैरायटी 4 से 5 पानी में किसान भाइयों पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी की बुवाई हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यह वैरायटी निम्न रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है, जैसे येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और पाउडर मिल्ड्यू और जड़ सड़न और तना सड़न के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। अगर हम पहले नंबर की वैरायटी की हम बारे में बात करें तो पहले नंबर की जो वैरायटी का नाम है उसका नाम है HI3226 पूसा SSV। यह वैरायटी एक काफ़ी अच्छी वैरायटी है और यह एक अच्छा उत्पादन देने वाली किसान भाइयों वैरायटी है। इसकी बुवाई हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू में की जा सकती है। इसकी बुवाई
की बात करें तो इसकी बुवाई नवंबर से 25 नवंबर तक कर सकते हैं और यह वैरायटी में 5 पानियों की किसान भाइयों आवश्यकता होती है। और यह वैरायटी की बीमारियों की जो हम बात करें, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट और पाउडर मिल्ड्यू के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है और इसमें तना सड़न और जड़ सड़न के प्रति भी यह प्रतिरोधक क्षमता किसान भाइयों रखती है। और यह किसान भाइयों अगर इसके उत्पादन की जो हम बात करें तो यह वैरायटी 70 से 79.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता रखती है, जो अन्य वैरायटियों से एक काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, जो एक अच्छा उत्पादन है। किसान भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।